और सर ये तो आपके पीछे बिल्कुल ही खाई है, खाई के ऊपर ही आपने सेटअप लगा रखा है। हाँ जी, व्यू भी बहुत बढ़िया आता है, पैसे हो ना हो खा के जाए हमारे पास। कस्टमर को नाराज नहीं करते, और किसको करते हो? और ये शुरुआत ऐसी चली कि मसूरी के लोग और पूरे दुनिया से वर्ल्ड से स्पेशल लोग खाने के लिए आ रहे हैं। तो हाँ जी दोस्तों, मसूरी में तिब्बतियन मार्केट पर आए थे और भाई साहब ये व्यू पॉइंट चेक कर लो एक बारी। और यहाँ पर भाई साहब हमारे जो बना रहे हैं, क्या चीज़ बना रहे जी? छोले कुलचे जी। छोले कुलचे, और वो भी पहाड़ी? पहाड़ी कुलचे। पहाड़ी कुलचे, तो छोले कहाँ से लेके आते हैं जी? ये पहाड़ के ही होते हैं जी। हाँ जी, पहाड़ के ही होते हैं। पहाड़ के ही होते हैं। हाँ जी। तो सर ये बताइए कितने साल पुरानी शॉप है आपकी? ये कम से कम 50 साल पुरानी शॉप है। 50 साल पुरानी? हाँ जी। तो सर आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 42 साल। 42 पापा के टाइम से है, या पैदा हुए तब से ही शॉप पापा के टाइम की है। और सर ये तो आपके पीछे बिल्कुल ही खाई है। हाँ जी बिल्कुल खाई के ऊपर ही आपने सेटअप लगा रखा है। हाँ जी, व्यू भी बहुत बढ़िया है। हाँ जी। तो ये व्यू के रेट लेते हैं कि टेस्ट के रेट लेते हैं, बताइए? टेस्ट के, टेस्ट के, टेस्ट भी और व्यू भी। दिखाना इसमें क्या क्या डाला था आपने? फटाफट लगा दिया, ये लगा दिया जी, कुछ मसाला लगा दिया इसमें जी। क्या बात है, कौन से मसाले डाले आपने? ये गरम मसाले, घर के मसाले, घर के मसाले। क्या बात है, कौन कौन से रहते हैं आपके पास जायका, ये बताइए? जायके बहुत सारे होते हैं हमारे पास। पनीर कुलचा है जी, बंद कुलचा है जी, छोले कुलचे हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, ये आगे टिक्की चाट लगाते हैं शाम को। टिक्की चाट भी लगाते हैं? हाँ, टिक्की चाट, बर्गर, बर्गर भी। हाँ जी। इसी सेटअप पर? इसी सेटअप पर। क्या बात है, तो ये कौन से, व्हाइट है जी, ब्लैक चने? ये व्हाइट चने जी। व्हाइट चने। हाँ जी। ग्रेवी वाले रहते हैं? ग्रेवी वाले नहीं, बिल्कुल ग्रेवी, गर्म वाले, सूखे होते हैं ये। सूखे होते हैं, ये ग्रेवी कैसे होती है? जो बोलते हैं वैसे बना के दे देते हैं। अच्छा, जैसे बोलते वैसे बना के देते हैं। नाराज नहीं करते बिल्कुल भी कस्टमर को, नाराज नहीं करते? और किसको करते हो? कस्टमर नाराज हो गए तो हम नाराज हो गए। नहीं, मैं पूछ रहा था कुछ आपसे, मैं फिर और किसको नाराज करते हैं? किसी को नहीं करते? किसी को भी नहीं। क्या बात है, पैसे हो ना हो खा के जाए हमारे पास। अच्छा, किसी के पास पैसे भी नहीं है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट खिला देते हैं? बिल्कुल। तो लोग तो मसाले बड़े जबरदस्त यार, देखो खांसी आ गई। इसका प्राइस बताओ, प्राइस क्या है? 70 की प्लेट है ये। तो सर ये रखे आप जी छोले? हाँ जी। है ना। हाँ। और मसाले दिखा दो, कुछ सीक्रेट है कि सिंपल ही? घर के सब सीक्रेट ही है सारे, घर के हैं, सीक्रेट हैं। हाँ जी। ओ भाई साहब, ये चेक करो, घर में बनाते हैं, घर में बनाते हैं, ये वाला रहते हैं पीस के। हाँ जी। तो कितनी दूर दूर से खाने के लिए आते हैं ये बताइए? ये पूरे हिंदुस्तान के लोग जो घूमने आते हैं वो खा के जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान से? हाँ जी, जहाँ के लोग आते हैं वो खा के चले जाते हैं, दोबारा जरूर आते हैं मेरे पास। तो खा के चले जाते हैं, पैसे भी देते हैं कि नहीं देते? पैसे ही देते हैं। पैसे भी देते हैं? हाँ जी। क्या बात है। अच्छा, 70 रुपीज का प्राइस है, इसमें दो कुलचे आते हैं? दो कुलचे हैं, छोले हैं। तो हाँ जी दोस्तों, माल रोड मसूरी तिब्बतन मार्केट में आए थे भाई साहब, ये देखो। और आपको ऐसा जायका दिखाएंगे ना, यूनिक स्ट्रीट फूड है। पीछे व्यू पॉइंट चेक कर लो। और मदन भैया से हमारी वार्तालाप हुई और मदन भैया ना इतना ज़बरदस्त ये जायका बेचते हैं ना, जायका खिलाते हैं लोगों को पिछले 50-60 सालों से। उनके पिताजी ने शुरुआत की थी और ये शुरुआत ऐसी चली कि मसूरी के लोग और पूरे दुनिया से वर्ल्ड से स्पेशल लोग खाने के लिए आ रहे हैं, दबाकर खा रहे हैं और आ रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। क्या बात है, यहाँ के छोले ना थोड़ी लोग खट मीठा स्वाद ज़्यादा पसंद करते हैं खाना, और तीखा भी पसंद करते हैं, और वैसी टेस्ट जायका बोल रहा है। तो ये ब्यूटीफुल नेचर में एक बार ये टेस्ट कर लेते हैं यार, तड़के वाले ज़बरदस्त स्पेशल कुलचे छोले। टेस्ट सबसे डिफरेंट है अभी तक जितने हमने दिल्ली के भी खाए ना, और चंडीगढ़ के खाए, मोहाली के, पंजाब के, हरियाणा के, सबसे अलग टेस्ट है इनका। मुझे लगता है टेस्ट इस करके, क्योंकि ना पहाड़ों की बात ही कुछ रहती है इनके मसालों की, उनके जायके की, जिस करके ये टोटली डिफरेंट है। टेस्ट सो गुड है, नवा नवा जायका आपको दिखाते रहेंगे। और ये मसूरी का, उत्तराखंड का टूर चालू हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। तो पाजी ये बता दो किसने खाने के लिए आना हो, कहाँ पर आएगा, लोकेशन एड्रेस क्या बताइए जी? लोकेशन ये है तिब्बतन मार्केट जी, मैन वाली तिब्बतन मार्केट, जो बोर्ड लगा है देखो सामने। अच्छा, ये तो बोर्ड नहीं लगा होगा, ये वाला बोर्ड, वो बोर्ड लगा हुआ है। तो वहाँ पर आपका ये लोकेशन एड्रेस है। हाँ, और यहाँ पर लोग दूर दूर से खाने के लिए आते हैं ना। दूर दूर से। और पाजी आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है जी। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।